हम लोग महात्मा गांधी पर कुछ वाक्य सीखेंगे। ये परीक्षा में हमारे रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है, तो या आप लोग इसे गांधी जी पर निबंध भी कह सकते हैं। तो आइए कुछ वाक्य हम आज सीखते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने जो है देश की आजादी के लिए बहुत कार्य किया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो हम लोग गांधी जी कहते हैं, हम लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं, उनको इसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी हम जानते हैं, पुकारते भी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बच्चों, गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, कभी ये हिंसा का मार्ग नहीं अपनाए। इन्होंने देश की आजादी के लिए हरदम हमेशा सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए लड़े थे, उन्होंने भारत को आजाद कराया था, देश के लिए आजादी के लिए लड़े, कई बार जेल भी गए और उन्होंने देश को आजाद करा दिया था। बापू साधारण जीवन जीना पसंद करते थे, उनका रहन सहन पहनावा बहुत ही साधारण किस्म का था, उनको लगता था कि दिखावा नहीं होना चाहिए, साधारण जीवन जीना चाहिए। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जिसे 30 जनवरी 1948 को हुई। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको कुछ वाक्य बताए, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे।